जय गुरुदेव, जय महर्षि। क्लास 10th, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एन एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट डोनेटेड बाय एंगल इज डोनेटेड बाय थीटा बाय यूजिंग क्राफ पेपर। वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो एंड यू विल गेट correct up to two places of decimal. In this, what we have to take a graph paper. You can make it a duty method. Take a graph paper of 30 centimeter by 30 centimeter, better it will be, and paste it on a hard board and leaving here 2-3 centimeter all the side and draw a x-axis and y-axis and mark x-axis points 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.6 and till 1 here. Similarly on y-axis also each your if you are taking 20 centimeter, then 2 centimeter is equal to 0.1 and then 0.3, 3, 6 centimeter लीजिए और इस तरह से आप एक 20 centimeter का एक रेडियस लीजिए और सेंटर ये लेके ये आप ये लाइन आर्क ड्रा कर सकते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और अब क्या करिए, इसके ऊपर हम पॉइंट पी एक सेलेक्ट कर लेंगे और ए से ज्वाइन करेंगे हम इसको और ज्वाइन करते हुए आगे खींच देंगे। यहाँ पर एक टेंजेंट लाइन खींचेंगे हम बी के ऊपर, ए एक्स एक्सिस पर पॉइंट बी पर एक हम परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे जो पैरेलल टू वाई वाई एक्सिस होगी। सिमिलरली क्यू पॉइंट से हम एक पैरेलल लाइन खींचेंगे विच विल बी पैरेलल टू ए बी आर एक्स एक्सिस वी कैन से एंड दिस पॉइंट आर इंटरसेक्टिंग एट जेड। ये जेड पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये जो पॉइंट है आप ये लाइन है ये आपका ए पी से जो आगे एक्सटेंड किए वो लाइन एक तो बी ये इस परपेंडिकुलर लाइन से डी पर इंटरसेक्ट करेगी और इस परपेंडिकुलर लाइन से जेड पर इंटरसेक्ट करेगी। अब हम कैसे हमारे जो टी आर वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू साइन थीटा हम ए सी पर पढ़ लेंगे ग्राफ पेपर पर। यू कैन टेक द रीडिंग आप या इस पॉइंट पर आप रीडिंग इसके पढ़ लेंगे। कास थीटा की वैल्यू अगर हमें पता करनी है तो कास थीटा क्या है होगा ए एम की रीडिंग पढ़ लो। तो ये कास थीटा और ये साइन थीटा है, पी के कोऑर्डिनेट ही ये है साइन थीटा। यहाँ देख लीजिए कि वैल्यू आपकी, यदि कास थीटा की वैल्यू 0.75 और साइन थीटा की वैल्यू 0.67, ये हाइट आपके साइन थीटा दिखाती है क्योंकि यूनिट सर्कल पे हमने इसको कंसीडर कर रहे हैं। अब हमारे आ जाती है, हमने दो वैल्यू तो पता चल गई यहाँ से पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट से ही पता चल गए साइन थीटा। पी के कोऑर्डिनेट क्या हुआ, साइन थीटा कास थीटा। अब टेन थीटा कैसे हम पता करेंगे, अब टेन थीटा के लिए देखो बी डी ये डिस्टेंस आप मेजर कर लीजिए तो ग्राफ पेपर पर आराम से आप पढ़ सकते हो कितने ये है आपका जो टू यूनिट्स है ग्राफ पेपर में वो आपने 1.1 लिया है। ये ध्यान रख के उस हिसाब से आप पॉइंट में पढ़ लीजिए वैल्यू, ये इसके ए डी बी डी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। हाँ, इस समय हमारा ये जो एंगल 41.84 डिग्री एंगल जो है उसकी वैल्यू हमारी कितनी आ रही, आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से मिला के देख लीजिए आपके 0.9 आएगी। हाँ, और कास थीटा की वैल्यू भी इतनी आएगी, साइन थीटा की वैल्यू भी इतनी इसके ऊपर।
अब आप कहेंगे कि सर 8-4 कहाँ से निकाल, अरे 42 आप ले ले लेके देख लीजिए, नियर अबाउट क्या आएगी ये पता चल जाएगा। अब हमारा इसका रेसिप्रोकल ले तो ये आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले तो ये आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले तो ये आ जाएगा। परंतु आपको रेसिप्रोकल लेना है, सीधे रीडिंग पढ़ना है, काट थीटा की वैल्यू हो जाएगी ये Q2Z, क्योंकि ये आपका यूनिट है। तो दिस बाय दिस विल गिव यू, इस ट्रेंगल में क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। अब ये हो गया आपका बेस बाय अपोजिट एंगल, इस ट्रेंगल में पी ए जेड में ये एंगल 90 डिग्री का क्लियर है, ये एंगल हो जाएगा, ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, जो भी वैल्यू रहेगी क्योंकि ये लाइन पैरेलल है। तो अब इस एंगल के हिसाब से ये अपोजिट एंगल हो गई और ये एडजेसेंट, तो एडजेसेंट साइड बाई अपोजिट साइड ये कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके, यहाँ से ये मिल गई आपको। तो सिंपली क्या करना आपको, ये क्यू जेड की रीडिंग पढ़ना है बस, आप यहाँ से रीडिंग ले लीजिए और पढ़ लीजिए ये, और उसके बाद सेक थीटा। अब देखिए सेक थीटा क्या दिया हमने, ए डी, अब ए डी की वैल्यू तो आप डायरेक्ट पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हम पढ़ सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, आप स्केल लीजिए, स्केल से इसको नाप लीजिए, इसका माप ले लीजिए, ए डी का माप ले लीजिए, और उसको जब आप कन्वर्ट करके देखिए कि भाई 0.12 सेंटीमीटर के बराबर है, तो इतना डिस्टेंस कितने सेंटीमीटर, थोड़ा मेथोडिस लगाइए और आप मेज़र करके ही थोड़ा कैलकुलेशन करना है और आपको वैल्यू आ जाएगी सेक थीटा के भी। अब सेक थीटा, अब कोसेक थीटा देखिए, कोसेक थीटा की वैल्यू कैसे आएगी आपके, सेक थीटा की ले पहले, सेक थीटा क्या है, एडी, तो एडी हमने ले ली है ना। अब कोसेक थीटा की वैल्यू लेना है ए जेड, ए डी तक के लेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी सेक थीटा के लिए, और ए टू जेड तक के अगर मेजर कर लें और उसको कन्वर्ट कर लें, उसमें जो हमारी स्केल है उससे कन्वर्ट कर लें, तो हमारा ये वैल्यू कोसेक थीटा की वैल्यू है। तो इस अभी इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू मान लो मैं इसको राउंड फिगर 45 पे करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये नियर 42, हाँ ये 42 मान ली, 45 मान लीजिए, ये देखिए 10 थीटा, क्योंकि उसने राउंड अप इसने भी कर दिया 0.8 को छोड़ दिया, 45 मान लिया, हाँ तो 10 थीटा की वैल्यू 1 होती है आप जानते हैं, साइन थीटा की वैल्यू 45 पे क्या होते हैं 1/√2, और कास थीटा भी 1/√2 होता, तो देखो 1/√2 को आप डेसिमल में डिवाइड करेंगे, ग्राफ वो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देख लीजिए, 0.7177 करीब आता है 2, तो ये 2 डिजिट तक के लिए है तो ये करेक्ट, और ये उसी तरह से आप इनको चेक करके देख लीजिए, साइन थीटा की 10 थीटा की जो वैल्यू है वही काट थीटा की वैल्यू। अब हम इस पॉइंट को और आगे लें भाई, हाँ और हमने 60 डिग्री के पास ले रहे हैं, हाँ ये 60 डिग्री होगा करीब करीब, क्योंकि 0.1 है तो वो इसको राउंड अप करेंगे, तो ये 60 डिग्री पर वैल्यू देखिए, कास थीटा की वैल्यू कितनी है, हाफ होती है कास 60 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है, तो यहाँ आप आ रही, बाकी वैल्यू आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से मैच करिए, सर्टेनली यू विल गेट दैट वैल्यू। अब हम इसको 30 डिग्री पे चेक करके देखते हैं भाई, हाँ क्योंकि 30 की वैल्यू हमें, ये एलाइड एंगल की वैल्यू हमें रटी हुई है, इसलिए हम इसको ऐसा कर रहे हैं, ये अभी करीब 30 मान लीजिए आप, 29.8 30 है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 0.1/2 होती है, साइन 30 1/2 होती है, तो 1/2 आ रही है हमारी यहाँ पर, और
ये देखिए आप ये थोड़ा पॉइंट में है, अब इसका रेसिप्रो कर लें तो 1/0.5 मतलब 1/1/2, तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद 2 आ जाएगा, तो यहाँ 2.01 आ रहा है क्योंकि ये भी 30 नहीं हो रही है हमारे, तो इसलिए इस तरह से आपकी वैल्यू हर वैल्यू आप जो भी वैल्यू लेंगे मैच कर जाए। अब हम 0 लें तो क्या होगा, साइन 0 पर ये वैल्यू क्या हो गई हमारी, ये 0 हो गए, 10 भी 0 हो गए, इकार और इकार, ये वैल्यू, ये की वैल्यू कुछ तो भी बहुत सारी बड़ी वैल्यू आ जाएगी। हाँ अब ये देखिए, ये हम यहाँ और आगे वैल्यू चल रहा है, अब हम आगे चले, यहाँ भी ये कुछ ले रहा है वैल्यू, है ना, ये एक्चुअली इन इस पे 10 की वैल्यू अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड होनी चाहिए, मगर ये कुछ मेथोडिक कैलकुलेशन की वजह से ये अनडिफाइंड नहीं दे रहा है, ये कुछ बड़ी सी कोई ये कुछ वैल्यू दे रहा है, तो दिस इज हाँ, तो आप क्योंकि ये नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए आप उस उन वैल्यू को बाकी वैल्यूज में ये देख लीजिए, आपकी ये वैल्यूज सारी वैल्यूज को आप चेक करके देखेंगे तो बड़ा इंटरेक्टिव है, जस्ट आपको ये लाइन को ड्रैग करना है या इस पॉइंट को ड्रैग करना है। हाँ आप इसको एनिमेशन में भी डाल सकते हैं, मगर एनिमेशन वो फिर पूरा घूम के आता है, ये पूरा 360 डिग्री का और उसके पूरे के एंगल दिखाएगा, तो ये हम इस तरह से एक्टिविटी मेथड से आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, तो ये कि डिवाइस हो जाएगा आपके मैथ्स लैब के लिए, आप इसको बना के देखिए और वो जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा उसका याद रखेंगे आप, हाँ कि कहाँ पर जब हमारा डिनोमिनेटर 0 होता है तो उस केस में नॉट डिफाइंड होता है, हाँ तो ये बात आप, क्योंकि यहाँ ये वाले जब हम इसको शिफ्ट करते तो एम 90 पर आता है तो ये 0 हो जाता है, 90 पर 0 होने से समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिवाइड, तो ये उस 90 के केस में आना चाहिए, हाँ 1090 में नॉट डिवाइड, इसी तरह से हाँ काट 90 में सब वैल्यू आएगी जी 0 आएगी उसका अपोजिट, और कुछ यहाँ इस इन केस में भी नॉट डिवाइड आएगा, वो आप उस पर वो तो आप विशेष ध्यान देंगे, हाँ ये सॉफ्टवेयर में हमारा नहीं आ रहा, तो आप इसको बियर विथ मी, आप आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इसका टीचिंग एड या डिवाइस बनाइए ग्राफ पेपर पर, और अब ये जो लाइन उसमें जो आप ये सब बाकी तो खींच लीजिए, ये लाइन को आप है ना पेंसिल से खींचे ताकि बार बार मिटा के आप नई लाइन बना सकते हैं, हाँ तो ये आपको ये यहाँ पर जब हम इधर इसको बढ़ाते हैं तो ये इधर ये आपका डी पॉइंट इसके पीछे डी पॉइंट आ जाता है, हाँ तो अब उस बात को भी थोड़ा समझेंगे, हाँ मैं अभी टाइम भी यहाँ लिख ले लेता तो डी पॉइंट इधर आ रहा है और आगे बढ़ाएंगे तो डी पॉइंट ये वैल्यू आपके क्या हो रहा है बढ़ एक से अधिक हो रही ना, एक यहाँ आता है और एक से अधिक हो जब वैल्यू होगी, ये देखिए हाइट कितना 1.2 हो गए, है ना 0.2, ये एक ये जो दिया था 0.2 के बराबर था तो यहाँ पर आ गया, अब जो इसको हमने और एंगल बढ़ाए थीटा की वैल्यू तो बाहर चला गया, तो आप ग्राफ पेपर जितना बढ़ा लें वर्टिकली में हॉरिजॉन्टल में भी, अगर आप फुल ग्राफ पेपर पे एक कॉर्नर पे 20 सेंटीमीटर ले लीजिए और तो आपको अधिक से अधिक एरिया मिलेगा वो वैल्यू जानने के लिए, ये तो आपको जब छोटा सा ग्राफ पेपर लेंगे तो उसमें वैल्यू आपके रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी कि 20 डिग्री से भी नहीं आप 30 से 60 के बीच में ही देख पाएंगे, ये थोड़ा सा आपको नोट करना है और थोड़े से ये हमारे आपको सलाह है, फिर आप खूब अच्छे से गणित पढ़ें सीखें और करके देखें, गणित बहुत रुचिकर है और ये हमने ये वाला हमारा जो हमने बनाया है तो
94 में टीचर्स प्लस करके एक मैगजीन हुआ करते थे, हैदराबाद से निकलते थे, उसमें मेरी कई सीरीज निकले थे, लर्निंग बाय डूइंग या एक्टिविटी बेस्ड कैसे हम कर सकते हैं, तो कई सीरीज में से ये हमारे एक थी, जब मैं मास्को में पोस्टिंग था तब हमने वहाँ से भेजी थी तो वो छपी थी उसमें, और हमारे बहुत सारे सीरियली उसके लेख छपे हैं उसमें, मतलब बीच बीच में, मतलब एकदम ये नहीं कि एग्जैक्ट कहें कि हर प्रत्येक महीने में, तो जगह नहीं मिली हमें और समय भी नहीं था हम, तो इस तरह एक नया चीज़ है आपको वहाँ आपको मिल जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए बहुत जगह, मगर ये जो पार्ट है इधर का ये वाले जो कॉट सेक और कोसेक भी ग्राफ पेपर पे हम कैसे निकालना कहीं नहीं मिलेगा, बहुत रेयर बुक में एक जो बुक है जिसे हम जानते हैं कि एक हमारे गुरु जी है डॉक्टर राधाचरण गुप्त जो झांसी में रहते हैं, अभी आईटी में प्रोफेसर थे, 85 साल की उम्र होगी उनकी, 85 तो होंगे ही, तो उनके द्वारा रचित एक किताब में हमें ये आइडिया मिला था, फिर मिलने का मौका मिला था, हमारे बहुत सारे उनसे डिस्कशन, वे स्वस्थ होंगे ऐसी आशा है क्योंकि कई दिनों से संपर्क नहीं हुआ। जय गुरुदेव, जय महर्षि।